श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे अपने भारतीय राष्ट्र ध्वज से जुड़े कुछ ऐसे अद्भुत और गौरवपूर्ण तथ्य जो आप सभी को जानना चाहिए, जो हर भारतवासी को जानना चाहिए। और अगर भारतवासी नहीं है तो भी उसे जानना चाहिए कि हमारे भारत देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी क्या अहमियत है, क्या अद्भुत और उसके गौरवपूर्ण इतिहास क्या है। आपको शायद नहीं जानते होंगे, प्रदेश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया भारतीय ध्वज संहिता नाम का एक कानून है जिसमें तिरंगों को फहराने के कुछ नियम कायदे निर्धारित किए गए हैं। यदि कोई शख्स फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत गलत तरीके से तिरंगा फहराने का दोषी पाया जाता है तो उसे जेल हो सकती है। इसकी अवधि 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है या दोनों भी हो सकता है। तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या खादी का ही होना चाहिए, प्लास्टिक का झंडा बनाने की मनाही है। किसी भी स्थिति में फटे या क्षतिग्रस्त गंदे झंडे को नहीं फहराया जा सकता है। तिरंगे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप में ही होगा, इसका अनुपात 3:2 होना चाहिए। झंडे का यूज किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म या सजावट के सामान में नहीं हो सकता है। झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैर कानूनी है। किसी भी गाड़ी के पीछे, बोट या प्लेन में तिरंगा यूज नहीं किया जा सकता है। इसका प्रयोग किसी बिल्डिंग को ढकने में भी नहीं किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में हमारा झंडा जमीन से टच नहीं होना चाहिए। जब झंडा फट जाए या मैला हो जाए तो उसे एकांत में पूरा नष्ट किया जाए। झंडा केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका हुआ रहता है। किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडा से ऊंचा या ऊपर नहीं लगा सकते और ना ही बराबर में रख सकते हैं। जब तिरंगा फट जाए या रंग उड़ जाए तो इसे फहराया नहीं जा सकता। ऐसा करना राष्ट्र ध्वज का अपमान करने वाला अपराध माना जाता है। जब तिरंगा फट जाता है तब इसे गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ जला दिया जाता है या पवित्र नदी में जल समाधि दे दी जाती है। शहीदों के पार्थिव शरीर से उतारे गए झंडे को भी गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर नदी में ससम्मान समाधि दे दी जाती है। सबसे पहले लाल, पीले व हरे रंग की हॉरिजॉन्टल पट्टियों पर बने झंडे को 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कोलकाता में फहराया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। आज जो तिरंगा फहराया जाता है उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इससे पहले इसमें 6 बार बदलाव किए गए थे। 3 हिस्से से बने झंडे में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरे रंग का एक बराबर पट्टियां होती है। झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। सफेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है। इसके व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तिल्लियां बनी हुई होती है। 22 जुलाई 1947 से पहले 1931 में तिरंगे के बीच में चक्र की जगह पर चरखा होता था। बाद में इसे बदल दिया गया और मध्य में चक्र रख लिया गया और इस झंडे को 22 जुलाई 1947 में बनाया गया था। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में अमेंडमेंट किया गया। इसके बाद लोगों को अपने घरों और ऑफिस में आम दिनों में तिरंगा फहराने की अनुमति मिल गई। झारखंड की राजधानी रांची में 23 जनवरी 2016 को सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया। 66:99 साइज के इस तिरंगे को जमीन से 493 फीट ऊंचाई पर फहराया गया। राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम में एक छोटा तिरंगा रखा हुआ है जिसे सोने के स्तंभ पर हीरे जवाहरातों से जड़कर बनाया गया है। भारत में बेंगलुरु से 420 किलोमीटर स्थित हुबली एकमात्र ऐसा लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जो झंडा बनाने का और सप्लाई करने का काम करता है। 29 मई 1953 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सबसे ऊंची पर्वत की चोटी माउंट एवरेस्ट पर यूनियन जैक
तथा नेपाली राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराता नजर आया था। इस समय शेरपा तेनजिंग और एडमंड माउंट हिलेरी ने एवरेस्ट फतह की थी। पहली बार 21 अप्रैल 1996 के दिन स्क्वाड्रन लीडर संजय थापर ने तिरंगे की शान बढ़ाते हुए MI-8 हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से कूदकर देश के झंडे को उत्तरी ध्रुव में फहराया था। 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा ने भारतीय राष्ट्र ध्वज को लेकर अंतरिक्ष के लिए पहली उड़ान भरी थी। दिसंबर 2014 से चेन्नई में 50,000 स्वयं सेवकों द्वारा मानव झंडा बनाने का विश्व रिकॉर्ड हम भारतीयों के पास नहीं है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।